जम्मू कश्मीर में सिर्फ दो डिस्ट्रिक्टों में हिमालयन थार पाया जाता है, उसमें डिस्ट्रिक्ट कठुआ, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। बनी वैली के जीहोश, जीशोर, दानश्वर, स्कॉलर, बच्चों को अवेयर किया जाना चाहिए कि आखिरकार ये लाखों किस्म के जानवर ख़त्म होने के कंगार पर क्यों हैं। कौन सा जानवर है, इसके निशान को ये चेक कर रहे हैं। और बहुत ही कीमती जड़ी है ये नाग छतरी। सबसे पहले आपको मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है एक नए व्लॉग में। जम्मू कश्मीर के खूबसूरत पहाड़ आप सबका स्वागत करते हैं। आज मैं ट्रैकिंग के लिए बनी वैली के खूबसूरत पहाड़ जिसमें सरथल है, ये घट्टी, सोंफू, सपनगरी, त्रग्गा और बहुत से नाम हैं, हिमालयन ब्राउन बियर है, हिमालयन लेपर्ड है, हिमालयन थार है, हिमालयन मस्क डियर है, हिमालयन सैरो है। डिस्ट्रिक्ट रामबन के अयाज कुयूं वानी साहब रिसर्चर हैं, सर्च करते हैं। उन्होंने मुझे 2-3 बार कॉल भी की कि यार आप आए, मिलजुल कर हम सर्च करेंगे बनी वैली के खूबसूरत पहाड़ों में जो जानवर हैं वो ख़त्म होने के कंकार पर हैं। नाज़रीन, आपका प्यार, आपकी सपोर्ट मेरे सर आँखों पर, मैं भी एक खूबसूरत वीडियो आप सबकी नज़र कर। हेमनाला और घट्टी का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है। यहाँ की खूबसूरती आप देख ही सकते हैं। इसी नदी है, इसको क्रॉस करने वाले हैं यहाँ पर हम। ये सामने बर्फ है, अच्छे ज़्यादा बर्फ है, क्या खूबसूरती है। ये हमारे स्कॉलर, बड़े बड़े मेले होते हैं हमारे बनी वैली में, उन मेलों में ज़रूर आप ज़िक्र कीजिएगा कि हमारे पहाड़ों में जो जानवर हैं वो ख़त्म होने के कंगार पर हैं, जैसे हिमालयन थार है। क्या शान है हमारी बनी वैली थी उस जानवर की, आज वो जानवर नहीं मिल रहा है। वो हम एक एक नाले को क्रॉस कर रहे हैं, इन पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, हमारी सपोर्ट करते हैं। वरना हमारी क्या मिजाज थी कि इन खूबसूरत, इन दूर दराज पहाड़ों में घूमने का, हमें ये हिम्मत नहीं थी। या आप एनर्जी हमें दे रहे हैं, आप हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, इस सपोर्ट की वजह से हम खुशी खुशी इन पहाड़ों की ओर जा रहे हैं। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट हैबिटेट होता था हिमालयन थार के लिए, सर्दियों में वो माइग्रेट आते थे सपनगरी वगैरह से, और इसमें जो है उनका एक सेफ हेवन मिलता था। बट अनफॉर्चुनेटली हंटिंग की वजह से अब यहाँ पे जो है हिमालयन थार का साइट होना जो है बहुत मुश्किल हो रहा है, अदरवाइज दैट वाज द प्रेफर्ड हैबिटेट। डियर ने क्या किया है, खोद खोद की ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल सुबह सुबह आज की बात है। ये कहीं यहाँ पर है, बिल्कुल यहाँ पर होगा ये। हाँ वानी साहब, वानी साहब देखो कितना खोदा है यहाँ पर इसने। बहुत ज़्यादा खुशी है, यहाँ पर हमें कहीं बियर मिल ही जाएगा, जगह भी बहुत खूबसूरत है। जम्मू कश्मीर में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्टों में हिमालयन थार पाया जाता है, उसमें डिस्ट्रिक्ट कठुआ, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, तहसील दक्षिण मड़ुआ पाटर। नाजरीन, खूबसूरत झरने हैं,
ये घटी के बिल्कुल नजदीक में है ये जगह। यहाँ पर भी चट्टानों में हम सर्च कर रहे हैं कि कहीं यहाँ जानवर ना मिल जाए हमें। हाजरीन, ये दूर दराज पहाड़ों में हमें मिली और बहुत ही कीमती जड़ी है ये नाग छतरी। ये है नाग छतरी, यह है इसकी जड़। ये जड़ है इसकी और इंसेक्ट की तरह है जड़ ये। ये इसको मैं फिर मिट्टी में दबा के रखता हूँ। नाजरीन, यहाँ पर जो जगह है सामने, मतलब जानवर के लिए कितना मतलब सेफ भी है, कंफर्टेबल भी है। पहाड़ियाँ हैं, चट्टानें हैं और साथ साथ में बीच बीच में यहाँ पर पेड़ भी हैं। जो पेड़ है ना मेरे सामने, ये मोटा सा है, इसका नाम है जुगलीना। इंग्लिश नाम इसका जुगलीना है, ऐसे लोकल नाम इसका है गूंग। गूंग कश्मीर में इसको कहते हैं। अगर आप पहाड़ों में घूमने का शौक़ रखते हैं तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा प्यास, भूख, और आप में इतनी एनर्जी होनी चाहिए घूमने के लिए। तो दिल में हद से ज़्यादा मुझे सुकून है। काफ़ी चढ़ाई चढ़ रहे हैं, जंगली जानवर भी सर्च कर रहे हैं कि कहीं मिल जाए, फ्रेश निशान मिल रहे हैं भालू के, और चट्टानें भी बहुत खड़ी हैं बिल्कुल ऐसी, तो इनमें भी क्रॉस करना, कहीं स्लिप ना हो जाए वो भी ख़तरा है। तो आगे भी सर्च कर कर करके हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी वाटर ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर वहरान जंगल है और खूबसूरती हद से ज़्यादा है। हमें काफ़ी चक्कर लगाना है ना। बहुत ही शुक्रगुजार हूँ यहाँ पे जो हमारे साथ हैं मलिक साहब, जो एक बन्नी वैली का जो है सबसे इम्पॉर्टेंट एक यूट्यूब चैनल है जो इस एरिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वो मेरे साथ मिलकर एक डॉक्यूमेंट्री और इस एरिया को जो है वो एक्सप्लोर कर। बहुत ही खूबसूरत फूल है, क्या खुशबू है, हद से ज़्यादा लाखों किस्म की यहाँ जड़ी बूटियाँ हैं पूरी। कुदरत ने कितना सजाया है हमारा इलाका, क्या ब्यूटी है, क्या व्यू है। बर्फ नहीं देखते हद से ज़्यादा है, ये सदाबहार जंगल, ये जम्मू के पेड़, और ऊपर धुंध है हद से ज़्यादा है। ये तलहांजू के पेड़ यहाँ पर है। दिल्ली के जी होश, जी शोर, दानश्वर, स्कॉलर, बच्चे, बच्चों को अवेयर किया जाना चाहिए कि आखिरकार ये लाखों किस्म के जानवर ख़त्म होने के कंगार पर क्यों हैं। मैं कहता हूँ कि अगर एक महीना हम अगर घूमते रहेंगे तेज़ रफ्तार से, फिर भी हमारा जो बनी वैली का इलाका है वो घूम नहीं सकते। हमारे बनी वैली में बड़े बड़े मेले होते हैं, फंक्शन होते हैं, उनमें ज़रूर तذکرہ होना चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए आखिरकार ये जानवर गए कहाँ। जब तक हम इनकी हिफाजत ना करेंगे तब तक हमारा बनी अधूरा है। हाजरी, मेरे सामने एक मेडिसन है, हद से ज़्यादा खुशबू है इसमें, हद से ज़्यादा खुशबू है। ये बड़ी हाइट पर होती है, इसकी वजह से मोटापा बिल्कुल ख़त्म होता है। चीज की तरफ क्रॉस हुआ है एक जानवर, है क्या, कौन सा जानवर है, इसके निशान को ये चेक कर रहे हैं। ये डेंजर जगह है और बर्फ ही बर्फ, स्लिप होने का खतरा है हद से ज़्यादा। यहाँ पर देखो जैसे वेंटिलेटर फिट किया है। बारिश स्टार्ट हो चुकी है हद से ज़्यादा, तब तक हमारे बनी वैली के जानवर सेफ नहीं हैं जब तक पूरी आवाम आगे नहीं आएंगे। यहाँ पर बिना आग के जिंदा रहना ही बहुत ही मुश्किल है। तो
ये भी एक किस्म की जड़ी बूटी है। सबसे ज्यादा कर्ज हुआ करते थे ये हिमालयन थार, आज यहां पर नामो निशान एक भी नहीं है। बड़े सालों के बाद हिमालयन थार, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में कर्थ कहते हैं, इनकी मैंगनी हमें यहाँ फ्रेश पाए गए हैं। बड़ी खुशी की बात है। हाजरी, ये जो सामने पत्ते हैं ये हिमालयन थार ने खाए हैं, यहाँ पर ये निशान हमें बड़ी हाइट पर मिले हैं उसकी मैंगनी। इसकी आऊँगा निशान यहाँ पर हिमालयन थार के। व्यू है सरथल वैली की। आए चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।